नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चंद्रा जनरेटर्स पे। मैं अमित जैन आपके सामने आज चंद्रा जनरेटर्स में अपने ऑफिस में बैठा हूं, और मेरे सामने बैठे हुए हैं भोपाल से आए हुए हरदा एमपी से आए हुए हैं। आपका नाम भैया? जी रामविलास। रामविलास भैया कहाँ से आना हुआ आपका? हरदा एमपी। अच्छा, आपका नाम भैया? राजन जोशी। राजन जोशी, आप कहाँ से आए भैया? मैं भी हरदा एमपी से आया। अच्छा, और आप भैया? कुंदन विश्वकर्मा। ये तो कुंदन भैया तो हमारे बहुत पुराने हैं और हमारे बहुत अजीज हैं। ये कुंदन भैया ना हमारे यहाँ से काफी जनरेटर लिए हैं, और जो है अभी दोबारा एक जनरेटर लिए आए हैं। पांचवा जनरेटर जा रहा है मेरे पास, ये बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे यहाँ से जो रेगुलर जाते हैं भैया के, ठीक है। अब मैं भैया से पूछूंगा, भैया आपने कितने केवीए का जनरेटर लिया हमारे यहाँ से? 40 केवीए का जनरेटर में आपने कौन सी कंपनी का इंजन पसंद किया है? टाटा का किया। तो आपने जो हमने आपको जिस टाइम बुकिंग करने आए थे जी, उस टाइम जो आपको बात बोली थी वही चीज आपको मिली नहीं मिली? जी जी जी। इंजन आपने लोड पर चेक किया तो कैसा लगा आपको? नहीं, बढ़िया बढ़िया। आपने जो है कितना लोड डाला इसके ऊपर? इसमें 124-125 तक एम्पीयर तक। ठीक है, और आपने भैया चेक किया आपके, आपने जनरेटर जो लिया है वो कौन सा लिया हुआ आपने? 40 केवी का 3 फेज का लिया हुआ। तो आपने जनरेटर से क्या चलाना है? साउंड लाइट, लाइट एंड साउंड चलानी है। तो आपने जनरेटर जो लिया है उसकी टेस्टिंग करी थी तो कितना एम्पियर तक लोड उसमें दिया? 50-56 एम्पियर तक का। 56 एम्पियर एक फेज पे? एक फेज पे। तो टोटल मिला के 150 एम्पियर तक लोड आपका 3 फेज पे हो गया जी। ठीक है सब, ठीक है। और कुंदन भैया आपका जनरेटर कैसा चल रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, उन्हीं को देखो, मैंने 5 जनरेटर आपके पास से दिला दिया हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको जो है हमारा जनरेटर चलाने मजा आता नहीं? मजा आता तभी तो बेचने आए आपके पास। वेल्डिंग वगैरह भी करते हैं आप? वेल्डिंग भी करते हैं, दुकान भी है, डीजे का काम भी है मेरे पास। अच्छा, चलते हैं जनरेटर। तो आप लोग भैया लोग ये बताओ कि आप लोग जो है हमारे जनरेटर से संतुष्ट है या नहीं है? अच्छी तरीके से संतुष्ट है। आपके भाइयों की सेवा हम रेगुलर लेते रहे और आपको बढ़िया बढ़िया जनरेटर आप लोगों को हम देते रहे, जिससे कि जो है हमारा काम और आपका नाम दोनों चलता रहे। ठीक है साहब, तो आप हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे, हमारे फॉलोअर से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जनरेटर जो भी शख्स लेना चाहे बिल्कुल चंद्रा जनरेटर पर आए, और जो चीज ये लोग बताते हैं वही चीज डालते हैं, सारी चीज मतलब नजर के सामने एक नंबर में होती है, और उसका मतलब विश्वास योग्य काम है, यही कहना चाहते हैं। भैया आप सब लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम दिखाते हैं आपको कि हमने इनके जनरेटरों में क्या क्या काम किया। हमने इनका पूरा इंजन खोल के पूरा इंजन ओवरऑल किया है, ओवरऑल करने के बाद इंजन को स्टार्ट किया है। देखिए इंजन स्टार्ट हो चुका है, दोनों इंजन इनके स्टार्ट हो चुके हैं। इन्होंने 2 जनरेटर हमारे यहाँ से लिए हुए हैं। दूसरा इंजन देखिए चल रहा है स्टार्टिंग पे, एक ही सेल्फ में इंजन स्टार्ट है। 709 के ये टर्बो टाइप डीजल इंजन है 40 केवी के अंदर, जो हमने इनको दिए हुए हैं। पूरा मेजर ओवरऑल करने के बाद जनरेटर तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद अब इस पर लोड पर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जनरेटर बिल्कुल एकदम रेडी होने के बाद लोड पर तैयार है। और देखिए इसमें पर फेस पे अभी फिलहाल 34 एम्पीयर लोड आ रहा है। तीनों फेसों पे दिखाएंगे, एक पर 49 एम्पीयर लोड आ रहा है, 50 एम्पीयर लोड आ रहा है, 35 एम्पीयर लोड आ रहा है, तीनों फेसों पर अलग अलग लोड आ रहा है। इसी तरह से हमने पूरा लोड डाल के इन्हीं जनरेटरों के ऊपर 55-55 एम्पीयर लोड डाल के चेक किया। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 49.5 के आसपास आ रही है। देखिए 40-40 एम्पीयर पर फेस पर लोड है। धीरे धीरे लोड हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे लोड बढ़ाने के बाद इंजन की टेस्टिंग कर रहे हैं। इंजन कम से कम 2 घंटे हमने बांधने के बाद इंजन को लैप किया हुआ है, और ग्राहकों की पूरी संतुष्टि कराने के लिए ही ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। और साथ में हमारे साथ हमारे जो हरदा से आए हुए हैं हमारे मित्र लोग, वो सब यहाँ खड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं हमारे यहाँ से। पानी का लोड डाल के हम उनको चेक करा रहे हैं पूरा, दोनों ही जनरेटर के हमने इनको वीडियो बना के दिए हैं, और दोनों ही जनरेटर की टेस्टिंग वीडियो भी बना के दी हमने इनको। 50-50 एम्पीयर से 55-55 एम्पीयर पर फेस पर लोड डाल के चेक करा जा रहा है। 709 का ये डीजल इंजन जो है हमने बनाया है अपने अपने वर्कशॉप में, और पूरा जनरेटर जो है ओवरऑल करने के बाद एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में इनको बना के दिया है। बने रहिए आप मेरे साथ, और मैं अपने डीजे वाले भाइयों से और मित्रों से निवेदन करूँगा
कि जब भी कभी जनरेटर लेना हो तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आप लोग जनरेटर जो खरीदते हैं वो दो धंधा करने के लिए खरीदते हैं, दो पैसा कमाने के लिए खरीदते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी बंदा जनरेटर ले वो बढ़िया ही जनरेटर ले, जिससे उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि जनरेटर एक ऐसी टेक्निक है जो कभी ख़राब हो जाती है तो उसके मिस्त्री मिलना बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि हर जगह इतने क्वालिफाइड मिस्त्री नहीं होते हैं जो बढ़िया चीज़ बना के दे सकते हो। हम लोगों का जनरेटर का व्यवसाय जो है लगभग 40 साल पुराना है जनरेटर के अंदर, हमको जनरेटर की लाइन के अंदर करीब 40-42 साल का एक्सपीरियंस है जो कि हमारे पैतृक उससे आया हुआ है। ये देखिए सिंगल फेस का जनरेटर हम टेस्ट कर रहे हैं, सिंगल फेस के जनरेटर पर लोड डाला हुआ है, क्लैंप टेस्टर लगाया हुआ है, 52 एम्पीयर लोड अभी इस पर चल रहा है, धीरे धीरे इस पर हम लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ा के इसको 125 से 130 एम्पीयर तक लेके जाएंगे, इसको सिंगल फेस 40 kV जनरेटर को। ये डीजे पर्पस के लिए हमने भाई जोशी जी को दिया हुआ है, और उसके अलावा जो है हरदा से आए हुए हैं जो, और इनको पूर्ण संतुष्टि कराई हमने। जब ये हमारे पास आए थे तब ये थोड़े से कंफ्यूज थे, वो काफ़ी वो थे कि साहब भाई साहब हमारे यहाँ जनरेटर बढ़िया नहीं मिलते हैं, हम वो टाटा के जनरेटर से बहुत डरते हैं, तो हमने इनको अपने विश्वास दिला जगाते हुए टाटा के जनरेटर के ऊपर इनको समझाया, उनको समझाने के बाद इन्होंने उस पर एग्री हुए, एग्री होने के बाद हमने इनको जनरेटर तैयार करके दिया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे से जुड़े हुए जो ग्राहक हैं वो हमेशा संतुष्ट हैं, आप देख सकते हैं 49.9 फ्रीक्वेंसी चल रही है और 83-84 एम्पीयर लोड चल रहा है। फ्रीक्वेंसी के मामले में हम लोग जो जनरेटर बनाते हैं वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो भाई लोग डीजे पर जनरेटर चलाते हैं, जो लाइट एंड साउंड पर जनरेटर चलाते हैं, और जब बैंकों में जनरेटर चलाते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पर जनरेटर चलाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी अगर ब्रेकअप होती है, टूटती है इंजन की, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं, और ये जो जनरेटर जो होते हैं एवीआर टाइप जनरेटर होते हैं, और एवीआर टाइप जनरेटर में क्या है वोल्टेज कम होने की वजह से ना डीसी करंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है अल्टरनेटर की फूकने की शिकायत ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल कंट्रोल जनरेटर बनाते हैं। 99 एम्पीयर लोड चल रहा है और 49.9 फ्रीक्वेंसी चल रही है, देख सकते हैं आप 100 एम्पीयर हो चुका है, और इसी तरह से बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं टूटेगी, कितना भी आप लोड डाल दीजिए। ये डीजे वाले भाई जितना भी बेस चला लें इसके ऊपर इंजन नहीं दबेगा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, इंजन दबने पे ही फ्रीक्वेंसी टूटती है। 106 एम्पीयर लोड चल रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से कंटिन्यू वे में आप इस पर लोड हमने डाल सकते हैं। हम लोग तो एक्चुअली वाटर लोड डालते हैं, वाटर लोडों की जो कैपेसिटी होती है, जैसे कि हम अगर वाटर लोड का अगर 10 एम्पीयर डालेंगे तो लाइट का वो 15 एम्पीयर लोड होगा, यानी कि डेढ़ गुना ज़्यादा लोड लेगा वो जनरेटर हमारा, ना फ्रीक्वेंसी टूटेगी ना ब्रेकअप होगी, देख सकते हैं आप 110, 111, 119, 120 तक हो चुका है। इसी तरह से हम लोगों ने चेक करके बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। ये हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, देखिए ये हैप्पी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये एकदम आप खुद देख सकते हैं कि ये मतलब ऐसा नहीं है, ये वीडियोस हम लोग जो बनाते हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाते हो, हम लोग क्वालिटी बनाते हैं, इसीलिए कस्टमर हमारे पास इतनी दूर दूर से आता है, पूरे हिंदुस्तान से कस्टमर हमारे पास आता है, लेह लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का कस्टमर हमारे पास आता है, और ढूंढते हुए आते हैं, वेटिंग पे इंतज़ार करते हैं ऑर्डर देने के बाद कि भाई 15 दिन में 20 दिन में जनरेटर हमको मिलेगा तैयार होके, तो कम से कम ये है कि 2-4 साल तक कोई जनरेटर में दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आएगी, और उससे दो पैसा कमाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है बनाने का, एक्सपीरियंस काउंट करता है। हम लोगों का काम वो लोकल मैकेनिक की तरह नहीं है, एक प्रोफेशनल कंपनी तरह काम करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल नई की तरह काम होता है बिल्कुल, क्योंकि ये माना जनरेटर पुराने होते हैं, लेकिन इसका काम अगर बढ़िया तरीके से हो जाए तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी तरीके की। देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हमने जनरेटर को बना दिया है, पेंट करने के बाद बिल्कुल कंप्लीट करके ओके कर दिया है बिल्कुल, इस लेबलिंग वगैरह होने के बाद ये जनरेटर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हो जाते हैं। अब बताइए नया जनरेटर और पुराने जनरेटर में कहाँ कोई फ़र्क रह गया, बताइए। बिल्कुल ओके, बिल्कुल एकदम ओके कंडीशन में हो गया जनरेटर ये। अब इसके बाद कस्टमर चलाएगा, 2-4 साल आराम से धंधा करेगा, कमाएगा, जनरेटर रेडी होकर डिस्पैच होने के लिए तैयार हो चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ मेरे भाइयों से कि दिए गए नंबरों पर हम पे संपर्क करेंगे और एक बार सेवा का मौका अवश्य देंगे, जिससे कि एक बार हमारी क्वालिटी को परखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो 4 लोगों को और हमारे लिए रेफर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे चंद्रा जनरेटर्स पे, जो कि आगरा में है और 40 साल से लोगों की सेवा में तत्पर है, और सभी तरह के जनरेटर हम लोग बनाते हैं 2 किलोवाट से लेके 125 kV तक के, और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे और दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क करके हमें आप सेवा का मौका प्रदान करेंगे। धन्यवाद।